और इस सबके बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर आप न्यूज 18 इंडिया पर देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि अब ये लड़ाई देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है। देश भर में बीजेपी दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अब आज एक बड़ी तस्वीर ये भी निकलकर सामने आने वाली है कि क्या इस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा क्या किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां शामिल हैं उनके कार्यकर्ता खासतौर पर पहुंचते हैं क्या कांग्रेस की भी, इस पर नजर रहेगी। पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है, देश के हर घर में हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। सच्चाई दी जीत हुई। दिल्ली का सब तो भ्रष्ट ते करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने शराब घोटाला करके करोड़ों रुपया बनाया, जिहड़े कहिंदे सी कि समन फर्जी ने, जिहड़े कहिंदे सी इलीगल ने, जिहड़े कहिंदे सी मेरे खिलाफ सबूत नहीं, आज जो दिल्ली की हाई कोर्ट च गए हाई कोर्ट ने कहा यह समन फर्जी नहीं ये समन लीगल ने। और तुसी क्यों हुण तक ईडी दे सामने नहीं पेश होए, ये माणयोग हाई कोर्ट ने अज अरविंद केजरीवाल जी नूं पुछिया उन्होंने वकील के माध्यम तो। जदों ईडी दे वकील ने दस्या कि असीं अरविंद केजरीवाल जी नूं गिरफ्तार कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने कहा सानूं एविडेंस लिया के दिखाओ। जदों उन्होंने सारा एविडेंस दिखाया गया हाई कोर्ट ने इनकार करता डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ते रोक लाने तो, मतलब मोहर ला दी कि तुहाडे कोल एविडेंस हैगा है तो जाओ तो गिरफ्तार करो। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होए ने। प्रियंका हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रियंका अब टाइमलाइन के साथ आप पहले भी याद कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता चाहे वो आतिशी हो सौरभ भारद्वाज हो जो आम आदमी पार्टी का पक्ष अलग अलग जगह मंचों पर रखते हुए दिखाई देते थे, वो हमेशा उनके दिन की शुरुआत ही ये कहकर होती थी कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार करने की तैयारी है, हमारे तमाम नेताओं को बड़े मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा सकता है और आखिरकार ऐसा ही हो भी गया। अब क्या ये एक बड़ा मुद्दा भुनाने की कोशिश यहाँ से की जा सकती है इमोशनल फैक्टर के जरिए आम आदमी पार्टी की तरफ से और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब सर पर लोकसभा का चुनाव है? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली के किसी मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। आपको मानना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इतनी पॉपुलैरिटी है जहां पर वोट के माध्यम से अगर हम कहीं असेंबली के बारे में तो कहीं विपक्ष के केवल 8 सीटें हैं, बेहद पॉपुलर है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की खासतौर पर बात करें। ऐसे में जब अरेस्ट हो गए हैं तो जाहिर तौर पर इसका चुनावी फायदा जरूर आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ इंडिया अलायंस जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो उठाने की कोशिश करेगा। देखिए हम लगातार जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर भी अब इसके मायने बदलेंगे क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है इनके बीच गठबंधन हुआ है, सीट शेयरिंग हुई है। ऐसे में अब एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आ रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और जहां पर हम हमेशा देख रहे थे कि नेशनल लेवल पर दोनों की बहुत अच्छी खासी बातचीत होती थी लेकिन स्टेट लेवल पर मामला बहुत खराब था, लेकिन कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग की खबर आई है दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पहुंचे हैं, संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं जिनके खिलाफ बोल बोल कर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए हैं, सीडब्ल्यूजी स्कैम को बोल कर, वो ताउम्र उनको गरियाते रहे हैं। कल हमने उनको भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देखा है। कहते हैं ना राजनीति क्या ना कराए, तो जाहिर तौर पर अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं तो ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि दिल्ली में तो कांग्रेस भी इसको भुनाने में जरूर लगेगी। ठीक है प्रियंका, इसका बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि अब लोकसभा का चुनाव है और साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान के बाद से बीजेपी मुख्यालय के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम आदमी पार्टी दफ्तर से लेकर बीजेपी दफ्तर से सीपी जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसके साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट के रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि किसी भी रूप में चूक ना होने पाए सुरक्षा को लेकर ये पुख्ता तैयारी इस वक्त पुलिस की दिखाई देती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि इससे पहले कई मर्तबा जब अलग अलग प्रदर्शन हुए हैं आम आदमी पार्टी के या यहाँ पर हमने दफ्तर के बाहर देखे हैं तो भीड़ कभी कभी इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है
कि पुलिस भी बेबस हो जाती है। अब ऐसे में पहले से ही तैयारी की गई है कि रास्तों को ही रोक दिया जाए, आगे कार्यकर्ता बढ़ने ही ना पाए, वो स्थिति बनने ही ना पाए, इसी की तैयारी करते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इन सब के बीच में दिल्ली में शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए कलंक बताया, तो भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को लुटेरा कह डाला। देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए, आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ये कहा कि 2 साल की जांच में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। वो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर जेल भी रहे तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। ये आतिशी ने बहुत बड़ा दावा किया है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। दो साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए।